पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। आज आप और मैं यहाँ उपस्थित है, हम सब यहाँ एकत्रित है तो ईश्वर की कृपा से है। ईश्वर ने चाहा है कि हम सब कुछ समय ईश्वर के साथ में संगति करें, ईश्वर की स्तुति महिमा करें। हम सर्वप्रथम ईश्वर को धन्यवाद दें बीते पलों के लिए, बीते हर एक वरदानों के लिए, बीते हर एक कार्यों के लिए, बीते हर एक क्षण के लिए, हम सबके परिवारों के लिए, हमारे भविष्य के लिए, हमारे परिवार के प्रत्येक सदस्यों के लिए, बच्चों के लिए, माता पिताओं के लिए, समस्त कलीसिया के लिए, समस्त प्रचारकों के लिए, जितने भी लोग प्रभु के कार्य को कर रहे हैं उन सबको, उन सबके लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। आज हम इस प्रार्थना को शुरू करने से पहले ईश्वर को अपना सर्वस्व समर्पित करें। आज हम सब किसी न किसी बात से परेशान होंगे, चिंतित होंगे, बहुत सारी परेशानियों का आप सामना कर रहे होंगे। आपके मन में, आपके मन एवं विचारों में बहुत सारे सवाल होंगे और आज आप अपने बोझ को लेकर, अपनी परेशानियों को लेकर, अपने सवाल जवाब को लेकर आप इस प्रार्थना में भाग लेने आए हैं। विश्वास करना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपके हर एक परेशानी का समाधान, आपके हर एक सवालों का जवाब ईश्वर के पास में है। आज आप आए आपकी मर्जी से हैं, लेकिन ये बुलावट ईश्वर की इच्छा के अनुसार है। ईश्वर ने आज आपको यहाँ एकत्रित किया इस प्रार्थना में। सर्वप्रथम हम अपने आँखों को बंद करें और अपने आप को तैयार करें ताकि हम दिल की गहराई से, सच्चाई के साथ, पूरी श्रद्धा में, भक्ति के साथ इस प्रार्थना में भाग ले सके। हे प्यारे प्रभु यीशु, मैं बहुत परेशान, चिंतित हूँ, दुखी हूँ, टूटा हुआ हूँ प्रभु। बहुत सारी परेशानियाँ हैं मेरे जीवन में प्रभु। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ या क्या नहीं करूँ। भविष्य को लेकर परेशान हूँ, कामकाज को लेकर, अपने पति को लेकर, अपनी पत्नी को लेकर, अपने रिश्तों को लेकर बहुत परेशान हूँ प्रभु। मेरे परिवार में दिन प्रतिदिन प्रभु डेली वाद विवाद, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं प्रभु। प्रभु प्रार्थना में माहौल, वातावरण मेरे घर में नहीं है प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करने बैठता हूँ और प्रभु मेरे घर में शैतान अधिकार ले लेता है और मुझे प्रार्थना करने से रोकता है, और जिसकी वजह से मैं प्रार्थना करने से उड़ जाता हूँ और प्रार्थना को समय नहीं देता हूँ। प्रभु यीशु, मेरे परिवार पर अधिकार लेना। मैं पूरे भरोसे के साथ, एक विश्वास के साथ आपके पास में आया हूँ प्रभु। प्रभु आपका वचन कहता है, थके मांदे बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज प्रभु मैं भारी बोझ से दबा हुआ हूँ प्रभु। अनेक चिंताएं मुझे सता रही है प्रभु। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ प्रभु। मैं टूटा हुआ हूँ, बिखरा हुआ हूँ, परेशान हूँ, चिंतित हूँ प्रभु, दुखी हूँ प्रभु। मैंने अपने जीवन को नष्ट करने का भी सोच रहा था प्रभु। मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरे मन में बहुत सारे नकारात्मक ख्याल आते जा रहे हैं प्रभु। मुझ पर दया कर प्रभु। मैं आज बड़ी आशा लेकर आपके पास आया हूँ प्रभु। आपका वचन कहता है, संकट के समय मैंने प्रभु को पुकारा और प्रभु ने मेरी सुनी और मेरा उद्धार किया प्रभु। मैं आज बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ प्रभु। प्रभु जो आपके पास, आपकी शरण आता है प्रभु, वह कभी निराश नहीं लौटता प्रभु। मैं बड़ी आशा के साथ आया हूँ प्रभु। मेरा विश्वास है आज प्रभु, आज आप मेरे जीवन में अधिकार लेने वाले हैं प्रभु। मेरे जीवन को, मेरे टूटी हुई नैया को पार लगाने वाले हैं प्रभु। जो जीवन बिखर गया था प्रभु, जो परिवार टूट गया था प्रभु, वह परिवार आज आप जोड़ने वाले हैं प्रभु। जो नौकरियां चली गई थी प्रभु, जो नौकरियां ढूंढने के पीछे हम लगे हुए थे प्रभु, वह आपके नाम से हमें मिलेगी प्रभु। मैं बड़ी आशा के साथ आपके पास आया हूं प्रभु। प्रभु मुझे निराश ना करना प्रभु, मेरे विश्वास को बढ़ाना प्रभु। और आज जो भी वचन सुनाया जाए प्रभु,
वह मैं प्रभु पूरी भक्ति के साथ, पूरे विश्वास के साथ उसे ग्रहण कर सकूं। प्रभु मैं अपने आप को, अपने पूरे परिवार को, परिवार के प्रत्येक सदस्य को आपके हाथों में समर्पित करता हूं प्रभु। और साथ में प्रभु जितने भी लोग इस वक्त इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं प्रभु, इस चैनल से जुड़े हुए हैं प्रभु, एक आशा, एक उम्मीद के साथ, एक भरोसे के साथ प्रभु यीशु, इस परिवार को प्रभु मैं आपके हाथों में समर्पित करता हूं प्रभु। आज हम सब मिलकर प्रभु आपके वचन की महिमा कर सके, आपकी स्तुति आराधना कर सके, आपके वचन को अपने जीवन में ग्रहण कर सके प्रभु। प्रभु हमें इस योग्य बना दे, हमारे कानों को, हमारे हृदय को, हमारे मन को, हमारे सोच विचारों को प्रभु आपके पवित्र लहू से धोकर शुद्ध कर दीजिए प्रभु यीशु, ताकि आपका वचन हमारे जीवन में कार्य कर सके प्रभु। प्रभु यीशु आज जो भी वचन सुनाया जाए प्रभु, वह हमारे लिए और हमारे परिवार के लिए प्रभु यीशु। शैतान को हम अधिकार नहीं देते हैं प्रभु, आपका वचन कहता है ईश्वर के अधीन रहो, शैतान का सामना करो, वह आपके पास से भाग जाएगा प्रभु। आज हम अपना सर्वस्व आपको समर्पित करते हैं प्रभु, हम आपकी शरण आए हैं प्रभु यीशु। हमारा विश्वास है प्रभु आज शैतान की हर एक शक्तियां, हर एक बंधन यीशु मसीह के नाम से खुलने वाले हैं प्रभु यीशु। आज से ये परिवार मेरा नहीं प्रभु, ये परिवार आपका है प्रभु। हर एक चीज पर आपका अधिकार हो प्रभु, मेरे राज्य पर, मेरे देश पर, इस संसार पर प्रभु आपका अधिकार हो प्रभु यीशु। मैं हर एक व्यक्ति को प्रभु आज की इस प्रार्थना में समर्पित करता हूँ प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जितने भी लोग इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, आप सभी इस वीडियो के लिंक को अन्य लोगों के साथ शेयर करें, ताकि हम सब मिलकर प्रभु के साथ में कुछ समय बिता सके। बहुत सारे लोग हैं जिनको हम सबकी प्रार्थनाओं की जरूरत है, हम सबके सहारे की जरूरत है। आप उन सब तक इस वीडियो के लिंक को पहुंचाएं और अन्य लोगों को भी आप इस प्रार्थना के बारे में बताएं। आज प्रभु हम सबके जीवन में कुछ नया करने जा रहा है, विश्वास करना और एक विश्वास के साथ इस प्रार्थना में भाग लेना। जितने भी लोग इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, उनकी जो भी निवेदन है, जो भी जरूरत है, वह ईश्वर जानता है। आप ईश्वर को समर्पित करना और धन्यवाद के साथ, स्तुति आराधना के साथ, महिमा के साथ ईश्वर में मग्न हो जाना। आप अपनी सारी चिंताओं को प्रभु को समर्पित कर दें और ये सोचिए, इस समय आपके इर्द गिर्द कोई नहीं है, आप और आपका ईश्वर है। आपके जो टूटे हुए रिश्ते हैं, जो परेशानी, चिंताएं, बीमारी हैं, वह आज ईश्वर सही करने वाला है। जो रिश्ते टूट गए थे उसे जोड़ने वाला, जो बीमारियां हैं, परेशानियां हैं, उन सबको हमारे जीवन से दूर करने वाला है एक विश्वास के साथ। आज अपना हृदय खोलना, पूरा का पूरा हृदय खोलना और अपना हृदय के अंदर जो भी बातें हैं वह ईश्वर को बोलना, और ईश्वर आपकी हर एक बात सुनेगा और आपको उसके अनुसार उत्तर देगा। कहाँ आप सही है, कहाँ गलत है, वचन के द्वारा ईश्वर बात करेगा। और आज कोशिश करना प्रभु की बात को गहराई से समझने की। हम अक्सर बोलते रहते हैं, सुनने की कोशिश नहीं करते। हम स्तुति के द्वारा अपने निवेदनों को प्रभु को समर्पित करते हैं और प्रभु हमें आशीष के द्वारा, वचन के द्वारा हमें उत्तर देता है। इसलिए हम इस वक्त एक गीत गाएंगे और इस गीत में आप पूर्ण रूप से खो जाना, पवित्र आत्मा को आपके जीवन में अधिकार देना, पवित्र आत्मा से भरने के लिए हम ये गीत गाएंगे। बड़े आनंद, विश्वास, भरोसे के साथ ताली बजाते हुए इस गीत को हम गाएं। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे। गाइए। आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र से भर दे मुझे, अपने हाथों को सीने से, पवित्र आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे, पवित्र आत्मा
से भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। सब लोग मिलके गाइए, आत्मा से भर दे मुझे, आत्मा से भर दे मुझे। एक साथ मिलके गाइए, जहाँ भी मैं।
दे मुझे, आत्मा से भर 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 दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ। ऐसा यीशु कर दे मुझे, आत्मा से भर 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 दे मुझे। तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं, तेरे लिए ही जीऊं, तेरे लिए ही मरूं। तू जिस राह पर चला मैं उस राह पर भर दे मुझे, आत्मा से 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 भर दे मुझे। जहाँ भी मैं जाऊँ गीत तेरे गाऊँ, धन्यवाद।
हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पिता परमेश्वर की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, पवित्र आत्मा की स्तुति हो, त्रिएक ईश्वर की स्तुति हो, त्रिएक ईश्वर की स्तुति हो। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु यीशु क्राइस्ट में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे मनन चिंतन का विषय है एक अकेला व्यक्ति यदि ईश्वर पर भरोसा रखता है तो वह क्या कर सकता है। हम सब नबी एलिया और बाल देवता के दृष्टांत के बारे में आज मनन चिंतन करेंगे। एक अकेला नबी, वह कितने सारे पुजारियों के विरुद्ध खड़ा होता है। ये विषय आज हमने क्यों लिया, इसके पीछे एक कारण है। मैं बहुत सारे लोगों से ये सुनता हूँ कि मैं अकेला हूँ, सामने वाले बहुत सारे लोग हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, उनके पास में धन दौलत है, उनके पास में पावर है। हम प्रार्थना दल में भी बहुत जगह देखते हैं आप अकेले पड़ जाते हैं, बाकी जो लोग होते हैं वह किसी ना किसी परेशानी में पड़ जाते हैं, गिर जाते हैं, और आप उनके चक्कर में खुद भी गिर जाते हैं। एक अकेला व्यक्ति क्या कर सकता है, हम आज देखेंगे। एक अकेला व्यक्ति का मतलब है यदि ईश्वर आपके साथ में है, आप यदि ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं, ईश्वर की आवाज को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, वचन सुनने के साथ में उसका पालन करते हैं, तो आप आज की प्रार्थना द्वारा आप किसी का भी सामना कर सकते हो। चाहे संसार आपके खिलाफ हो जाए, चाहे आपका समाज, आपके आस पड़ोसी आपके खिलाफ हो जाए, लेकिन आप डरेंगे नहीं, आप डटे रहेंगे। प्रभु आपकी ओर से युद्ध करेगा, प्रभु आपकी ओर से कार्य करेगा, प्रभु आपकी सहायता करेगा। बहुत सारे लोगों को सताया जाता है, आज हमें उन सब का सहारा बनना है, उन्हें यह दृढ़ विश्वास दिलाना है, उनके लिए प्रार्थना करना है कि ईश्वर आपके साथ में है, चाहे कोई भी आपके विरुद्ध क्यों नहीं हो जाए, लेकिन ईश्वर आपके साथ में खड़ा है। जिसके साथ में ईश्वर है उसका मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। आइए आज हम पहला राजाओं का ग्रंथ अध्याय 18 वाक्यांश 16 से लेकर हम 40 तक पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक बात कहूंगा, इन वचनों को आप गहराई से समझने की कोशिश करना। हम गलती क्या करते हैं, हम वचन को सुनते नहीं है, एक एक शब्दों का मर्म, उसका महत्व हम जानने की कोशिश नहीं करते। हम वचन को किताब की तरह पढ़ते हैं, रट्टा मारते हैं, नहीं, हर एक शब्दों पर कितना जोर दिया गया है, हर एक शब्दों का महत्व क्या है, वह शब्द क्या कह रहा है और क्या समझाना चाहता है, हमें समझने की जरूरत है। इसलिए अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु को समर्पित करते हुए इस वचन को आप सुने। एलिया से अहाब की भेंट। ओबदा अहाब से मिलने गया और उसको इस बात की सूचना दी और अहाब एलिया से मिलने आया। एलिया को देखते ही अहाब ने उससे कहा, क्या तुम वही हो जो इज़राइल को विपत्ति का शिकार बनाते हो? उसने उत्तर दिया, इज़राइल को विपत्ति का शिकार बनाने वाला मैं नहीं, बल्कि आप और आपके कुटुंब है। मैं इस वचन को वापस दोहराऊंगा, आप इस वचन पर ध्यान लगाना। एलिया को देखते ही अहाब ने उससे कहा, क्या तुम वही हो जो इज़राइल को विपत्ति का शिकार बनाते हो? उसने उत्तर दिया, इज़राइल को विपत्ति का शिकार
बनाने वाला मैं नहीं बल्कि आप और आपके कुटुंब है। आज बहुत सारे लोग जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करने के लिए चर्च जाते हैं, तो आपके सामने बहुत सारे लोग आकर खड़े होते हैं जो आपको ईश्वर की स्तुति करने से, ईश्वर के चर्च जाने से रोकते हैं। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, विश्वास करना, प्रभु आपकी ओर से युद्ध करेगा, वह आपके मुख में शब्द रखेगा, वह आप में सामर्थ्य देगा, वह आपको शक्ति देगा। कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। लोग आरोप लगाएंगे, लोग आपको तोड़ने की कोशिश करेंगे, तो चर्च मत जा, तो प्रार्थना मत कर, तू जो कर रहा है वह गलत है। लोग उल्टा आरोप आप पे लगाएंगे, तो किसकी पूजा कर रहा है, वह तो खुद अपने को बचा नहीं पाया, वह तेरे को क्या बचाएगा, तरह तरह की बात बोलेंगे आपको। ध्यान रखना मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहां पर यही चीज है। एलिया को देखते ही अहाब ने उससे कहा, क्या तुम वही हो जो इज़राइल को विपत्ति का शिकार बनाते हो? लोग बोलेंगे तेरी वजह से तेरी परिवार बर्बाद हो रहा है, तू चर्च जाना छोड़ दे, तेरा परिवार ठीक हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को सताया जाता है, घर में प्रार्थना नहीं करने दी जाती है, समाज द्वारा तिरस्कृत किया जाता है। क्यों? कि वह सच्चे ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, इसलिए कि उन्होंने सत्य को अपनाया। इसलिए लोग आप पर उंगली उठाएंगे मेरे प्यारे भाई और बहनों। उस वक्त ईश्वर आपकी ओर से बोलेगा, ये जो परेशानी, ये जो चीजें हो रही है, ये मेरी वजह से नहीं, ये आपके और आपके कुटुंब की वजह से हो रही है। बहुत सारे लोग आपके खिलाफ इसलिए होते हैं ताकि आप प्रार्थना ना करें, आप वचन ना पढ़े, आप यीशु में विश्वास ना करें। आपको तोड़ने के लिए शैतान आता है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन को आज बहुत गहराई से सुनना, समझना। आपको ऐसा सामर्थ्य मिलेगा आज के वचन में कि आपको कोई भी नहीं सता सकता, कोई भी आपको तोड़ नहीं सकता। आप जहां खड़े होंगे वहां ईश्वर आपके साथ में खड़ा होगा, चाहे हजारों लाखों लोग आपके विरुद्ध में खड़े हो जाए, लेकिन आपके द्वारा प्रभु वहां पर कार्य करेगा, अपनी महिमा प्रकट करेगा। विश्वास करना। सब कहें हालेलुया, 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 हालेलुया। आगे हम वचन को पढ़ेंगे, क्योंकि आप प्रभु की आज्ञाओं को भंग कर बाल देवों के अनुगामी बन गए हैं। अब सब इज़राइल को बुलवा कर उन्हें कार्मेल पर्वत पर मेरे सामने एकत्रित कीजिए, और बाल देवों के उन 450 पुजारियों और 400 असेरा के पुजारियों को भी, जिनके खाने पीने का प्रबंध इज़ेबेल कर रही है। ध्यान रखना, कितने लोग? 450 पुजारी और 400 असेरा के पुजारी। कितने लोग होंगे? हजारों के आसपास लोग वहां पर है जिनके खाने पीने की व्यवस्था इज़ेबेल कर रही है। ध्यान रखना शब्दों का। अहाब ने सब इज़राइलियों को बुला भेजा और नबियों को कर्मेल पर्वत पर एकत्रित किया। तब एलिया ने जनता के सामने आकर कहा, तुम लोग कब तक आगा पीछा करते रहोगे? यदि प्रभु ही ईश्वर है तो उसी के अनुयायी बनो, यदि बाल ईश्वर है तो उसी के अनुयायी बनो। आज आपके विश्वास की परीक्षा हो रही है कि आप प्रभु ईश्वर में विश्वास करते हैं या अन्य बाल देवता पर। लोग दो नाव पर सवार होने की कोशिश करते हैं, इसी वजह से वह गिर जाते हैं, लेकिन अधिकांश व्यक्ति यीशु मसीह में विश्वास करते हैं और उनकी विश्वास की परीक्षा होती है। वह अंत तक धीर बने रहते हैं, उनका विश्वास डगमगाता नहीं है। ऐसे ही हम वचन में देखते हैं। आज वचन हमसे यही कहता है, यदि
प्रभु ही ईश्वर है तो उसके अनुयायी बनो। जब आपको लोग सता रहे हैं, आपको प्रार्थना करने नहीं दे रहे हैं, आपको घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं, बहुत सारे लोगों को प्रताड़ित किया जाता है, मारा जाता है, अत्याचार किया जाता है, उनके साथ में उनका भरे बाजार में अपमान किया जाता है, वह उस वक्त वो जो दर्द सह रहे हैं, उस वक्त वह दर्द यीशु मसीह उस दर्द को स्वीकार करता है और उन्हें सामर्थ्य देता है उस दर्द को सहन करने की, उस दुख में उनका साथ देता है, उनके विश्वास को कमजोर नहीं होने देता है। ये हमारी परीक्षा है। आज हमारे साथ में सब जगह यही हो रहा है, हमें सताया जाता है, हमें तोड़ा जाता है और हमें तोड़ने की कोशिश इसलिए हो रही है ताकि हम ईश्वर की, प्रभु यीशु की स्तुति आराधना महिमा ना करें, प्रभु में विश्वास ना करें, लोगों का जीवन ना बदले। हम किसी के साथ में भी गलत नहीं करते, प्रभु कभी भी किसी के साथ में अन्याय नहीं करता। प्रभु सिर्फ ईसाई लोगों का ईश्वर नहीं है, प्रभु हर एक मनुष्य का, इस ब्रह्मांड का, इस सृष्टि का ईश्वर है। जाति के नाम से प्रभु भेदभाव नहीं करता, प्रभु ने जाति नहीं बनाई है, प्रभु ने मनुष्य को अपने हाथों से बनाया है क्योंकि वह मनुष्य से प्रेम करता है। वह कभी भी उनको अकेला, उनका दुख प्रभु से नहीं देखा जाता, इसलिए प्रभु ने आदम को बनाया और आदम की फसली से हेवा की रचना की, उसके लिए सुयोग्य जीवन साथी बनाई। प्रभु इतना प्रेम करता है तो क्यों किसी के साथ में प्रभु गलत करेगा, कभी नहीं। प्रभु किसी के साथ में भी गलत नहीं करता, प्रभु सबसे प्रेम करता है। आज जो सताया जाता है एक दूसरे के नाम से, आज आप विश्वास करना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपके आस पड़ोस में भी बहुत सारे लोग होंगे, आप जानते होंगे उनको सताया जाता है, आज आप उनको ये वचन बताना। पहला राजाओं का ग्रंथ अध्याय 18 वाक्यांश 16 से लेकर 40 तक, उनको कहना, इसे पढ़े और आप भी उनके लिए प्रार्थना करना। आज चुनाव करना है हम सबको, आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हैं या अन्य किसी में, ये चुनाव का समय है। आगे हम पढ़ते हैं, किंतु लोगों ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। तब एलिया ने जनता से कहा, मैं प्रभु का अकेला नबी रह गया हूं, बाल के नबियों की संख्या 450 है, हमें 2 सांड दो, वह उन दोनों में से एक को अपने लिए चुन ले, उसके टुकड़े टुकड़े करे और लकड़ी पर रख दे, किंतु वे उसमें आग नहीं लगाएं। मैं दूसरा सांड तैयार कर उसे लकड़ी पर रखूंगा और उसमें आग नहीं लगाऊंगा। तुम अपने देवता का नाम लेकर प्रार्थना करो और मैं प्रभु का नाम लेकर प्रार्थना करूंगा। जो देवता आग भेजकर उत्तर देगा वही ईश्वर है। सारी जनता ने यह कहते हुए उत्तर दिया, हमें स्वीकार है। नबियों में सिर्फ अकेला नबी एलिया बचा हुआ है और बाल देवताओं की संख्या 450 है। अकेला नबी और एक साइड में 450 बाल देवता के पुजारी। वह कहता है, 2 सांड को लाओ, एक आप लो और एक मुझे दो और उसे लकड़ी पर रख दो। वेदी सजानी है और उस पर आग हमें नहीं लगाना है, ईश्वर स्वयं आग भेजेगा और जो आग भेजेगा वही सच्चा ईश्वर है। तब एलिया ने बाल के नबियों से कहा, तुम्हारी संख्या अधिक है, इसलिए तुम अपने लिए एक सांड चुन लो और उसे तैयार करो, अपने देवता का नाम लेकर प्रार्थना करो, किंतु आग नहीं लगाओ। उन्होंने अपने को दिया हुआ सांड लेकर तैयार किया। तब वे सुबह से दोपहर तक ये कहते हुए बाल से प्रार्थना करते रहे, बाल हमारी सुन, किंतु
कोई वाणी नहीं सुनाई पड़ी, कोई उत्तर नहीं मिला। यद्यपि वे अपनी बनाई हुई वेदी के चारों ओर घुटने झुकाते हुए नाचते रहे। दोपहर के लगभग एलिया ये कहते हुए उनका उपवास करने लगा, तुम लोग और जोर से पुकारो, वह तो देवता है ना। वह किसी सोच विचार में पड़ा हुआ होगा, या किसी काम में लगा हुआ होगा, या यात्रा पर होगा। हो सकता है वह सोया हुआ हो तो उसे जगाना पड़े। वह और जोर से पुकारने और अपने रिवाज के अनुसार अपने को तलवारों और भालों से काट मारने लगे, यहाँ तक कि वे रक्त से लथपथ हो गए। वह दोपहर के बाद भी संध्या उपासना के समय तक ऐसा करते रहे, किंतु न तो कोई वाणी सुनाई पड़ी और न कोई उत्तर मिला। उनकी प्रार्थना पर ध्यान ही नहीं दिया गया। तब एलिया ने जनता से कहा, मेरे पास आओ। सब लोग उसके पास आए और एलिया ने प्रभु की वेदी फिर बनाई जो गिरा दी गई थी। प्रभु ने याकूब से कहा था कि तुम्हारा नाम इज़राइल होगा, उसी याकूब के पुत्रों के वंशों की संख्या के अनुसार। एलिया ने 12 पत्थर लिए और उनसे प्रभु के लिए एक वेदी बनाई। उसने उसके चारों ओर एक नाला खोदा जिसमें अनाज के 2 पैमाने समा सकते थे। तब उसने लकड़ियां वेदी पर सजाई, सांड के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसे लकड़ी पर रखा। तब उसने कहा, 4 घड़े पानी से भरकर होम बलि और लकड़ी पर उंडेल दो। इसके बाद उसने कहा, एक बार और यही करो। जब उन्होंने ऐसा किया तो उसने कहा, तीसरी बार यही करो। जब उन्होंने तीसरी बार ऐसा किया तो पानी वेदी पर से चारों ओर बहने लगा और नाला पानी से भर गया। सांध्योपासना के समय नबी एलिया ने आगे बढ़कर कहा, इब्राहिम, इसाक और इज़राइल के ईश्वर, आज ये दिखाने की कृपा कर कि तो इज़राइल का ईश्वर है, और ये कि मैं तेरे सेवक ने ये सब तेरे आदेश के अनुसार किया है। मेरी सुन प्रभु, मेरी सुन, जिससे ये प्रजा स्वीकार करे कि तू प्रभु सच्चा ईश्वर है। इस प्रकार तो इसका हृदय फिर अपनी ओर उन्मुख कर देगा। इस पर प्रभु की आग बरस पड़ी और उसने होम बलि, लकड़ी, पत्थर और मिट्टी सब कुछ भस्म कर दिया और नाले का पानी भी सुखा दिया। लोग ये देखकर मुख के बल गिर पड़े और बोल उठे, प्रभु ही ईश्वर है, प्रभु ही ईश्वर है। एलिया ने उनसे कहा, बाल के पुजारियों को पकड़ो, उनमें से एक भी न भागने पाए। वह पकड़ लिए गए। एलिया के कहने पर लोग उन्हें किसोन नाले तक घसीट कर ले गए और उन्होंने वहां उनका वध किया। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज के वचन में जो हमने पढ़ा है उसमें देखते हैं, एक साइड में 450 पुजारी जो बाल की पूजा कर रहे हैं। एलिया ने उनको कहा, आप दोनों सांडों में से कोई सा भी सांड ले सकते हैं, आपकी संख्या ज्यादा है, इसलिए आप सर्वप्रथम अपने देवता को पुकारें। आप सोचे, जहां ज्यादा भीड़ होती है लोग वहां ज्यादा इकट्ठे होते होंगे। 450 पुजारी और इजरायली लोग मिलाकर वहां पर हजारों की तादाद में लोग होंगे, और एक साइड नबी एलिया अकेला खड़ा है। दुनिया की दृष्टि में वह अकेला है, लेकिन ईश्वर की दृष्टि में सभी स्वर्गदूत सब उसके साथ में खड़े हैं, सभी रक्षक दूत सब उसके साथ में खड़े हैं, क्योंकि वह ईश्वर के आदेश अनुसार कार्य कर रहा है, अपना जीवन व्यतीत कर रहा है, प्रभु के बताए हुए रास्ते पर चल रहा है। उसने उन सारे लोगों को नहीं देखा, उसने ईश्वर पर भरोसा किया।
आज आपके सामने हजारों लोग खड़े होंगे और आप उनको देखकर डर जाते हैं। आज ये कहानी, ये घटना हम सबके जीवन से जुड़ी हुई है। आज हम भी जहां ज्यादा लोग होते हैं वहां जाने की कोशिश करते हैं। यहां पर भी यही चीज हुई। लोगों ने नबी एलिया को मामूली समझा। जब 450 पुजारियों ने वेदी सजाई और उनके विधि के अनुसार उन्होंने प्रार्थना शुरू करी, जैसे जैसे उनको प्रार्थना करना अच्छा लगा वैसे वैसे करते गए, लेकिन क्या हुआ अंत में, उनके देवता बाल देवता जो है वह आग नहीं बरसाते हैं। लेकिन जब नबी एलिया ने कहा सभी इसराइलियों को आओ इस वेदी के पास में, और वह वेदी सजाता है और वह कहता है 3 बार 4 घड़े पानी के उससे गीला कर दो। यहां मैं आपके सामने एक बात रखना चाहूंगा। जो बाल देवता के पुजारी थे उनकी लकड़ियां थी सूखी, और यहां पर नबी एलिया कहता है इसको 3 बार गीला कर दो, पूरी लकड़ी गीली हो जाती है। और चन में हम देखते हैं कि पानी वेदी पर से चारों ओर बहने लगा और नाला पानी से भर गया। असंभव कार्य है ये मनुष्य के लिए। ईश्वर ने जान पूछ के इस असंभव कार्य को दिखाया। जो बाल देवता के पुजारी सूखी लकड़ी को नहीं जला सके, उसे नबी एलिया ने उस लकड़ी को गीला करवाया, उस वेदी के चारों ओर पानी भर गया और फिर कहा अब देखो। प्रभु ने अपनी आग बरसाई, लकड़ियां भस्म हो गई, पानी सूख गया और लोग जान गए कि सच्चा ईश्वर कौन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज वचन के द्वारा प्रभु हमें स्पष्ट रूप से ये बताना चाहता है, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, संख्या चाहे एक हो चाहे हजार हो, ईश्वर जिसके साथ में खड़ा है उसका बाल भी बाका नहीं हो सकता। आपके द्वारा हजारों का जीवन बदलना चाहता है प्रभु। आपके द्वारा प्रभु, आप नहीं, प्रभु आपके द्वारा जीवन बदलना चाहता है। यदि आप ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चल रहे हैं, आपका कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वचन आपकी रक्षा करेगा। आप चाहे अकेले हो, चाहे कितना भी घोर संकट हो, रास्ता नहीं दिख रहा हो, चारों ओर पानी पानी हो गया हो, नामुमकिन हो, असंभव हो, हमारा ईश्वर असंभव को संभव करने वाला ईश्वर है। उसने ऐसे ऐसे कार्य दिखाए हैं जो बाकियों के लिए नामुमकिन क्या वह कल्पना भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। उसने समुद्र को 2 भागों में बांट दिया, उसने मुर्दों को जिलाया, उसने बांझ को वरदान दिया। हम लाजरस को देखते हैं जो 4 दिन से कब्र में पड़ा हुआ था, अबदूतों को निकाला। प्रभु ने हर एक कार्य करके दिखाया है। जो कार्य मनुष्य के लिए असंभव था, जिन लोगों को मनुष्य स्पर्श नहीं करते थे, उन कोड़ियों को प्रभु ने स्पर्श करके दिखाया है। हमारा ईश्वर महान, दयालु, करुणा में सामर्थ्यशाली, शक्तिशाली ईश्वर है। जब आप के साथ में ईश्वर खड़ा है, आपको डरने की जरूरत नहीं है। ईश्वर आपकी ओर से कार्य करेगा, आपकी ओर से युद्ध करेगा। आज हमने ये विषय इसलिए लिया, आज बहुत सारी जगह पर क्रिस्त भाई बहनों के साथ में अत्याचार हो रहा है, उनको सताया जा रहा है। उन सब के लिए प्रभु का वचन आज ये कहता है, डरो मत, आपके द्वारा प्रभु अपनी महिमा प्रकट करने जा रहा है।
प्रभु का वचन पहला राजाओं का ग्रंथ अध्याय 18 वाक्यांश 16 से 40 आप सबके जीवन में कार्य करेगा इसी वक्त। विश्वास करना, जो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, आज इन वचन के द्वारा प्रभु आपको शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करेगा। डरना नहीं। और एक बात और यहां जोड़ना चाहता हूं, आजकल लोग जहां पर ज्यादा भीड़ होती है वहां पर जाना चाहते हैं। मैं एक बात स्पष्ट कहना चाहूंगा, यहां पर आपको बुरा लग सकता है, लेकिन जहां कहीं पे भी वचन सुनाया जाता है वह ईश्वर का ही वचन है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप जो आज भीड़ देखकर जिस भी जगह प्रार्थना के लिए जा रहे हैं वहां पर भी वही वचन सुनाया जा रहा है जहां पर पहले सुनाया जा रहा था। तो इसलिए लोगों की भीड़ ना देखते हुए ईश्वर को देखते हुए आप जाएं, तब आपके जीवन में बदलाव आएगा। आज अधिकांश व्यक्ति चमत्कार के पीछे भाग रहे हैं, भीड़ के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन ईश्वर आज हमें एक नया अवसर दे रहा है। चमत्कार के पीछे नहीं, ईश्वर के पीछे, मेरे पीछे चले आओ। जो प्रभु के पीछे चला है, हम प्रेरितों को देखते हैं, उनके द्वारा प्रभु ने संसार में सुसमाचार का कार्य फैलाया, लोगों का जीवन बदला। उनके द्वारा प्रभु ने अपनी महिमा प्रकट की, उनको वह सारे अधिकार दिए, सांप और बिच्छुओं को कुचलने का अधिकार हर एक व्यक्तियों को दिया, अपदूतों को निकालने का अधिकार, बीमारों को चंगा करने का अधिकार, हर एक अधिकार ईश्वर ने दिया है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वचन मामूली वचन नहीं है, वचन में इतनी ताकत है कि वह एक व्यक्ति के द्वारा असंभव को संभव करता है। जब हम बाइबल को गहराई से पवित्र आत्मा से भरकर पढ़ते हैं तब हमें मालूम चलता है ईश्वर ने कोई भी कार्य जो है वह संभव कार्य नहीं, असंभव कार्यों को किया है। और उसने हमें बताया है कि मैं तुम्हारा ईश्वर हूं, यदि तुम मुझे प्रेम करोगे, मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे, तो मैं तुम्हारे वंशजों को आशीर्वाद प्रदान करूंगा, मैं तुम्हारे अंजल को आशीर्वाद दूंगा, तुम्हारे घर से बीमारियां दूर रखूंगा, तुम्हारे देश में गर्भपात और कोई बांझ नहीं रहेगी, मैं तुम्हारी आयु बढ़ा दूंगा, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन करने से। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इसी वक्त यीशु मसीह के वचन को अपने जीवन में स्वीकार करें, उसे ग्रहण करें। कभी भी अपने आप को अकेला महसूस मत करना, एक अकेला व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। हम देखते हैं नबी मूसा के द्वारा प्रभु ने मिस्र से इसराइलियों को आजाद किया, अकेले व्यक्ति के द्वारा। होशुआ के द्वारा प्रभु ने यरीको की दीवार गिरा दी स्तुति के द्वारा। योना के द्वारा निनवे के लोगों को पश्चाताप करवाया, उनको क्षमा दिलवाया। कितने सारे हम चमत्कार देखते हैं। हमारा ईश्वर सामान्य नहीं, वह शक्तिशाली, सामर्थ्यशाली, बलशाली, प्रेमी, दयालु, करुणामय ईश्वर है, वह सर्वशक्तिमान है, वह महान ईश्वर है। हालेलुया, 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 हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हैं और आपको ख्याल आता है मैं अकेला क्या कर सकता हूं, आपके सामने आप देखते हैं विकट परिस्थिति है, आप इस वचन को पढ़ना। जब आपके साथ में गलत हो रहा है कुछ, आपके साथ में सताव हो रहा है, इन वचनों को पढ़ना। जिसके साथ में ईश्वर है, मैं कहता हूं उसका बाल भी बाका नहीं हो सकता, उसके
इर्द गिर्द भी शैतान नहीं आ सकता। इसलिए ईश्वर को अपना ईश्वर मानिए, वह हमारा जीवित ईश्वर है, वह हमारा शक्तिशाली ईश्वर है। उस पर विश्वास करना, कभी भी जीवन में उस पर संदेह मत करना। वह असंभव को संभव करने वाला ईश्वर है। जो मनुष्य के लिए असंभव है उसे ईश्वर ने संभव करके दिखाया है कि मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्रभु आपके द्वारा, आपके परिवार के द्वारा, आपकी मिनिस्ट्री के द्वारा, आपके परिवार के सदस्यों द्वारा, आपकी कलीसिया द्वारा प्रभु महान कार्य करेगा। इसलिए दूसरों को हमेशा प्रोत्साहित करें, दूसरों को हमेशा प्रार्थना का सहारा दे। कभी किसी को नकारात्मक बातें ना कहे, उनके विश्वास को कमजोर ना करे, उनके विश्वास को बढ़ाने में उनकी सहायता करे, उनके लिए प्रार्थना करे और ऐसे वचन को उनके साथ में बांटे ताकि उनका विश्वास बढ़े। आज हम उन्हें डराने की कोशिश करते हैं, तू डर मत, तू डर मत। नहीं, ऐसे नहीं बोलना हमें, तू डर मत। तू डरता क्यों है? तेरे साथ में तेरा खुदा खड़ा है। अधिकार के साथ में बोलना है, विश्वास के साथ। एलिया नबी अकेला व्यक्ति था और उधर बाल देवता के पुजारी 450 से अधिक और अन्य लोग अलग। अकेले नबी के द्वारा, एलिया के द्वारा प्रभु ने अपनी महिमा प्रकट करी और लोगों का वहां जीवन बदल गया। लोग घुटने पर आ गए, पश्चाताप किया और ईश्वर में विश्वास किया। आज आप अकेले होंगे लेकिन आपकी प्रार्थना द्वारा ईश्वर महिमा प्रकट करेगा, ईश्वर चमत्कार प्रकट करेगा, ईश्वर आपको आगे बढ़ाएगा। विश्वास करना। आइए हम इस गीत को सुने और अपने जो अंदर डर है उस डर को भगाएं और ईश्वर आपके साथ में खड़ा है। पूरे आनंद, भरोसे, विश्वास के साथ हम इस गीत को गाएं। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। खुदा की नजर के काम देखो। आइए डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजर के
साथ खड़ा है। चुपचाप तुम खड़े रहो, डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजाकते काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजाकते काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम दे। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के साथ में है। प्रभु आपके डर को दूर कर रहा है। विश्वास करना, इस गीत में मग्न हो जाए, अपने आप को प्रभु को समर्पित करना। प्रभु आपके साथ में, आपकी चिंताओं में, आपकी बीमारी में, आपके दुख तकलीफ में प्रभु आपके साथ में है। प्रभु आपसे प्रेम करता है, प्रभु आप पर दया बरसाना चाहता है। प्रभु आपके हर एक विपत्ति को, हर एक बुरी परिस्थिति को आज बदलने वाला है। यीशु आप पर अधिकार ले रहा है। स्तुति करते जाना, स्तुति करना। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, महिमा महिमा यीशु, हालेलुया 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 यीशु। स्पर्श स्पर्श, हर एक बंधनों को तोड़ दीजिए प्रभु यीशु। करते जाना मेरे प्यारे भाई और बहनों। विश्वास करना, विश्वास करना। प्रभु आज आपकी हर एक परिस्थिति को बदलने वाला है। हालेलुया 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 हालेलुया। चिंताओं को दूर कर रहा है प्रभु यीशु, आपके दुख तकलीफ को, आपके बांझपन को। हालेलुया यीशु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु। स्तुति स्तुति महिमा यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया, महिमा यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु। हालेलुया हालेलुया, जितने भी लोग बीमार है, दुखी है, परेशान है, चिंतित है, जहां कहीं पे भी आपके शरीर में दर्द है, वहां पर अपना हाथ रखिए और एक हाथ को सर की ओर उठाइए और एक विश्वास करना। मैंने आज से पहले हजारों लोगों के पास में जाकर ट्रीटमेंट लिया, मेरी बीमारी ठीक नहीं हुई। मैं दवाई ले रही हूं, ले रहा हूं, लेकिन दवाई असर नहीं कर रहा है। आज हमने वचन में पढ़ा, प्रभु ने असंभव कार्य को संभव किया। आज प्रभु आपके जीवन में वही असंभव कार्य को संभव करने वाला है। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु दुखियों को दिलासा देता है और उनके घावों पर पट्टी बांधता है। प्रभु दुहाई देने वालों की सुनता और उन्हें हर प्रकार के संकट से मुक्त करता है।
तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुमको संभालेगा, वह धर्मी को विचलित नहीं होने देगा। प्रभु दुखियों से दूर नहीं है, जिनका मन टूट गया है प्रभु उन्हें संभालता है। आज से पहले आपका कोई भी कार्य, कोई भी बिजनेस सफल नहीं हो पाता था, जो भी कार्य आप करते थे उसमें असफल हो जाते थे, एग्जाम देते थे उसमें फेल हो जाते थे, ऑपरेशन करा करा के थक गए, दवाइयां ले लेके थक गए। आज आप जिसके पास में आए हो वह असंभव को संभव करने वाला ईश्वर है। आज आप नहीं, ईश्वर ने आपको यह अवसर दिया है और ईश्वर आज आपसे पूछ रहा है, बेटा और बेटी तुम क्या चाहते हो? आपको कहना है प्रभु मैं चंगा होना चाहता हूं, मैं ठीक होना चाहता हूं, मैं अच्छी नौकरी करना चाहता हूं, मैं शादी करना चाहता हूं, मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता भेजिए प्रभु, मेरे कामकाज को ब्लेस कीजिए प्रभु। हमें अपनी हर एक जरूरतों को प्रभु से पूछना है, अपनी हर एक जरूरतों में ईश्वर से पूछना है, हर एक कार्य को करने से पहले प्रभु से अनुमति लेनी है, प्रभु से पूछना है, प्रभु मैं करूं या नहीं करूं, आपकी इच्छा क्या है। हम देखते हैं नबी एलिया प्रभु के आदेशानुसार कार्य करता है और प्रभु उसके द्वारा अपनी महिमा प्रकट करता है। आज आपको कितने भी साल हो गए हो बीमारी से, कर्जे से, दुख तकलीफ से, बच्चे का वरदान नहीं होगा, आपका खुद का घर नहीं बन पा रहा होगा, आपके घर में कोई शराब पीता होगा, बंधन में होगा, व्यभिचार में होगा, लड़ाई झगड़े में होगा, आज आप विश्वास करना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज आप जिस ईश्वर के पास में आए हैं उसने असंभव कार्य को संभव किया है। नबी एलिया ने प्रभु पर संदेह नहीं किया, उसने और परिस्थिति, हम देखते हैं उस वेदी को 3 बार उसने पानी से लकड़ियों को गीला कर दिया, चारों तरफ पानी भर गया। उसका विश्वास देखना मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो बाल देवता के पुजारी सूखी लकड़ी को नहीं जला पाए, नबी एलिया ने उसी लकड़ी को गीला किया। उसका विश्वास, उसे मालूम है मेरा ईश्वर कितना शक्तिशाली बलशाली है, उसमें कितना सामर्थ्य है। आज वही विश्वास हमें लेना है, अपने जीवन में ग्रहण करना है। यदि आप विश्वास करोगे ईश्वर की महिमा इसी वक्त आप देखोगे अपने जीवन में। प्रभु लाजरस को कहता, लाजरस लाजरस बाहर आ, जो 4 दिन से कब्र में पड़ा हुआ था, और प्रभु की वाणी जाकर लाजरस को बाहर लाती है। प्रभु के शब्द में सामर्थ्य है, बल है। प्रभु का वचन संसार के किसी भी कोने में जाकर कार्य कर सकता है। आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु प्रभु के शब्द नहीं टल सकते। प्रभु के मुख से निकला हुआ शब्द प्रभु का उद्देश्य पूरा करे बिना प्रभु के पास में नहीं लौटता है। सब कहे हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए अपने हाथों को अपने सीने से लगाएं और विश्वास करना, हम भी एलिया की तरह विश्वास करें, चाहे विपरीत परिस्थिति क्यों ना हो, मेरा ईश्वर मेरे साथ खड़ा है, वह मुझे कभी नहीं त्यागेगा, कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा, वह मुझे चंगा करने वाला ईश्वर, मुझे पूरा भरोसा उस पर। प्रभु का वचन कहता है प्रभु दुहाई देने वालों की सुनता और उन्हें हर प्रकार के संकट से मुक्त करता है, विश्वास करना। सब कहें आमीन, 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 हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम संपूर्ण रूप से प्रभु की स्तुति करें और हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करेंगे इस वक्त। हालेलुया, हालेलुया, यीशु स्तुति, स्तुति, आराधना, महिमा, यीशु धन्यवाद, यीशु हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु, जितने भी लोग हॉस्पिटल में, आईसीयू में, वेंटिलेटर पर बीमार है प्रभु यीशु, उन सब पर आप अपना अधिकार लीजिए प्रभु यीशु। स्वर्ग से प्रभु अपना पवित्र भरा हाथ उन पर बढ़ाइए प्रभु, ताकि वह इसी वक्त चंगे हो जाए प्रभु यीशु। जितने भी परिवार टूटे हुए बिखरे हुए प्रभु यीशु, उन परिवारों को आप जोड़िए प्रभु यीशु। आपका वचन कहता है जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे प्रभु यीशु। हमारा विश्वास है प्रभु यीशु,
बहुत सारे लोग दुखी और तकलीफ में है प्रभु यीशु, वह टूटे हुए हैं प्रभु, वह अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं प्रभु, आप उनका सहारा बनिए, उन्हें सांत्वना दीजिए प्रभु यीशु। हालेलुया 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 यीशु यीशु हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपका वचन कहता है जिस तरह माँ अपने पुत्र को दिलासा देती है उसी तरह मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा प्रभु। आज बहुत सारे परिवार टूटे हुए हैं, बहुत सारे भाई बहन है जो प्रभु डिप्रेशन का शिकार हो गए प्रभु, उन्हें किसी ना किसी ने छोड़ दिया है प्रभु, झूठे रिश्तों के चक्कर में प्रभु उनके जीवन को तबाह कर दिया है प्रभु, आप उनके क्षण में आइए प्रभु, वह उनको क्षमा कर पाए प्रभु। बहुत सारे लोग हैं जो क्षमा नहीं कर पाते प्रभु, आप उन्हें क्षमा का वरदान प्रदान करें प्रभु यीशु। हालेलुया 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 यीशु, धन्यवाद यीशु, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु मैं जान चुका हूँ कि आप ही ईश्वर है प्रभु, आप ही सच्चे खुदा है प्रभु, आपके हाथों में मेरा जीवन है, मेरा परिवार है प्रभु, इस परिवार को जोड़े रखना प्रभु यीशु। जितने भी बीमार भाई बहन है प्रभु उन सबको इसी वक्त आप अपना चंगाई भरा हाथ रख दीजिए प्रभु, आप अपने शब्द को इसी वक्त भेज दीजिए प्रभु। जितने लोगों ने प्रार्थना एवं निवेदन मांगी है प्रभु यीशु, चाहे उनकी पर्सनल जो भी है निवेदन, उन सारे निवेदनों को प्रभु आपके हाथों में देते हैं प्रभु। प्रभु आपका वचन कहता है निरोगियों को नहीं रोगियों को वेद की जरूरत है प्रभु, आज हम सब प्रभु आपकी शरण आए क्योंकि आप ने खुद ने वचन में कहा निरोगियों को नहीं रोगियों को वेद की जरूरत है, और आप वेदों के वेद है प्रभु, आप महान सर्वशक्तिशाली ईश्वर है प्रभु। मेरी बीमारी को आप इसी वक्त ठीक कर चुके हैं प्रभु, मेरा विश्वास है प्रभु। आपने कहा मुझ पर दया दृष्टि कर, मुझ पर दया कर क्योंकि मैं अकेला और दुखी हूँ, मेरे जीवन की रक्षा कर, मेरा उद्धार कर, मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे निराश ना कर, मुझे असंख्य चिंताएं मुझे घेरे रहती है, मुझे सांत्वना का सहारा प्रभु आपसे मिलता है प्रभु। बहुत सारे लोग हैं जो प्रभु निराशा में हैं प्रभु, उनकी आशा आप है प्रभु, उनके विश्वास को बढ़ाना प्रभु, उन्हें हर एक डिप्रेशन से हर एक चिंताओं से मुक्त करना प्रभु यीशु, उन पर दया करना प्रभु। हालेलुया यीशु धन्यवाद यीशु यीशु यीशु। जितने लोगों का बिजनेस में लॉस हुआ है प्रभु का वचन कहता है सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 5 से 8, तुम सारे हृदय से प्रभु का भरोसा करो, अपनी बुद्धि पर निर्भर मत रहो, अपने सब कार्यों में उसका ध्यान रखो, वह तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर देगा। प्रभु आपकी हर एक बुरी परिस्थिति को आज बदल चुका है विश्वास करना। आज जितनी भी प्रार्थनाएं जितने भी निवेदन हमने चढ़ाए हैं वह आपके लिए और हम सब के लिए है, प्रभु ने हमारी हर एक प्रार्थनाओं को स्वीकार किया है क्योंकि प्रभु का वचन कहता है जहाँ दो या तीन मेरे नाम पर एकत्रित होते हैं वहां मैं उनके बीच में उपस्थित हूँ। आज प्रभु हमारे बीच में उपस्थित है, वह हमारी हर एक प्रार्थनाओं को प्रभु ने सुना है और ईश्वर ने स्वर को खोलकर हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार के आशीष वरदानों से हमें भर दिया है, विश्वास करना। आमीन 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 आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्यारे प्रभु, हे प्यारे प्रभु, मैं आपकी स्तुति महिमा करता हूँ, मैं आपकी स्तुति महिमा करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आज के दिन के लिए, आज के दिन के लिए, इस प्रार्थना के लिए, इस प्रार्थना के लिए, हर एक चीज के लिए, मैं हर एक चीज के लिए, मैं आपकी स्तुति महिमा करता हूँ, मैं आपकी स्तुति महिमा करता हूँ, मेरा विश्वास है, मेरा विश्वास कि मैं आज चंगा, कि मैं आज चंगा हो चुका हूँ, हो चुका हूँ, मेरी हर एक बीमारियाँ, मेरी हर एक बीमारियाँ मेरे जीवन से, मेरे जीवन से निकल चुकी है, निकल चुकी है, आज से, आज से मैं नहीं, मैं नहीं, प्रभु का आत्मा, प्रभु का आत्मा मुझ पर छाया रहता है, मुझ पर छाया रहता है, मेरे जीवन में, मेरे जीवन में प्रभु का अधिकार है, प्रभु का अधिकार है, आज से मैं नहीं, आज से मैं नहीं, प्रभु मुझ में जीवित है, प्रभु मुझ में जीवित है, मेरे शरीर में, मेरे शरीर में यीशु का लहू उमड़ पड़ता है, यीशु का लहू उमड़ पड़ता है, मेरे रक्त कोशिकाओं में, मेरे रक्त कोशिकाओं यीशु ने, यीशु ने अपना लहू बहा दिया है, अपना लहू बहा दिया है, जितने भी लोग, जितने भी लोग पैरालाइज से पीड़ित है, पैरालाइज से पीड़ित है, जिनका शरीर सुन हो जाता है, जिनका शरीर सुन हो जाता है, प्रभु उन्हें बल प्रदान कर रहा है, प्रभु उन्हें बल प्रदान कर रहा है, प्रभु उन्हें सामर्थ्य दे रहा है, प्रभु उन्हें सामर्थ्य दे रहा है, शक्ति से भर रहा है, शक्ति से भर रहा है। हम देखते हैं, हम देखते हैं 12 साल से पीड़ित,
12 साल से पीड़ित रक्तस्राव महिला को उसने मन ही मन विश्वास किया और वह चंगी हो गई आज प्रभु ने मुझे भी चंगा कर दिया है क्योंकि मैं यीशु मसीह में विश्वास करती हूँ। प्रभु का वचन कहता है विश्वासपूर्ण प्रार्थना रोगी को बचाएगी हाँ प्रभु आज आपने मेरी बीमारियों से मुझे मुक्त कर दिया है आपका वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है हालेलुया हालेलुया प्रभु यीशु मैं अपने आप को अपने परिवार को अपने जरूरतों को अपने कामकाज को अपने बच्चों को अपने आस पड़ोसियों को अपने जीवन को अपने चिंताओं को अपने दुख दर्द तकलीफ को आपको समर्पित करती हूँ आज से मैं नहीं आप इन सब पर अधिकार लीजिए आज से मेरी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो आप जो भी इस घर में इस परिवार में जो भी करना चाहते हैं वह आपकी इच्छा पूरी हो इस परिवार में आपकी पवित्रता आपकी शांति आपका प्रेम आपकी करुणा आपका दया सदा सर्वदा बनी रहे आज इस घर में मुक्ति का आगमन हुआ है मैं विश्वास करता हूँ आपका हर एक वचन अपना उद्देश्य पूरा करे बिना आपके पास में नहीं लौटता है मेरा विश्वास है आपके वचन ने आज मुझे हर एक बंधन से हर एक चिंताओं से हर एक बीमारी से हर एक कर्ज से हर एक परेशानी से हर एक विपत्ति से बचा लिया है आज से मैं नहीं आप मुझ में जीवित है इस परिवार के संचालक दाता कर्ता धर्ता आप है आज से मैं नहीं आप ही सब कुछ है आज से इस परिवार में हमारी नहीं आपकी इच्छा पूरी हो आज से मेरी नहीं आपकी जो इच्छा है वो इस परिवार में पूरी हो इस परिवार से हर एक शैतानी शक्तियाँ हर एक बुरी आदतें हर एक नशे की आदतें यीशु के नाम से दूर हो जाएं आपका वचन कहता है ईश्वर के अधीन रहो शैतान का सामना करो शैतान आपके घर से भाग जाएगा शैतान आपके जीवन से भाग जाएगा आज मैंने अपने परिवार को अपने जीवन को आपको समर्पित किया है आज से ये परिवार मेरा नहीं है आपका है प्रभु आपकी पवित्रता आपकी हर एक इच्छा आपकी शांति इस परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे इस परिवार को आपके पवित्र लहू के बाड़े में बांध देता हूँ सभी स्वर्गदूतों को आप आदेश दीजिए ताकि वह इस घर का पहरा दे वह हमारी रक्षा करे वह हमें सुरक्षित रखे आप हमें पवित्र आत्मा द्वारा संचालित करे ताकि हम आपकी इच्छाओं के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करें हालेलुया हालेलुया हालेलुया
आपका वचन कहता है, आपका वचन कहता है ईश्वर के अधीन रहो, ईश्वर के अधीन रहो। आज मैंने जान लिया है आपके वचन में सामर्थ्य और शक्ति है आपके वचन में बल है आपके वचन में विश्वास है आपका वचन मेरी रक्षा करता है आपका वचन मुझे आनंद देता है आपका वचन मुझे शक्ति देता है मुझे चंगाई देता है मुझे कृपा देता है मुझे प्रेम प्रदान करता है मुझे सांत्वना देता है मुझे अभिषेक देता है आशीष प्रदान करता है अनुग्रह बरसाता है हर एक बातों के लिए मैं ईश्वर आपको धन्यवाद देता हूँ जितने भी लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं हर एक व्यक्तियों के लिए उनके परिवारों के लिए उनके जरूरतें व निवेदनों के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ मेरा विश्वास है मैं जिस बोझ को लेकर आया था वह बोझ मेरे जीवन से हट गया है जो चिंताएं मुझे आगे बढ़ने से रोक रही थी आज मुझे आजाद कर दिया है आपने अपने वचन के द्वारा मुझे स्पर्श किया मुझे चंगा किया मुझे पाप से मुक्त किया मुझे पश्चाताप का वरदान दिया मेरे विश्वास को बढ़ाया मुझे शक्ति और बल प्रदान किया मुझे पवित्र आत्मा के दानों से भरा मुझे प्रार्थना करने का सहारा मिला मेरे भरोसे में वृद्धि हुई मेरे विश्वास को आपने प्रकट करने में मेरी सहायता की मेरे हर एक डर को आपने दूर किया हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु ने हमारे जीवन में बहुत सारे कार्य किए। आज विशेष करके प्रभु ने हमें साहस प्रदान किया है, ताकि ईश्वर आपके द्वारा असंभव कार्य को संभव कर सके। ईश्वर ने आज हमें प्रार्थना की शक्ति, प्रार्थना का महत्व है, वचन में सामर्थ्य, वचन में शक्ति प्रदान की है। हमें वचन का मर्म समझाया है, वचन में कितना सामर्थ्य है, कितना बल है। ईश्वर का वचन जिसके साथ में है, उसका मनुष्य या मनुष्य के शब्द उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए आज से, इसी वक्त से यीशु मसीह का कवच धारण करें, यीशु का वचन, मुक्ति का टोप यानी यीशु का वचन, जिससे शांति मिलती है, जिससे मुक्ति मिलती है। आज से अपने परिवार को यीशु के वचन से ढक लीजिए, परिवार के प्रत्येक सदस्यों को यीशु के वचन में बांध दीजिए, ताकि वह यात्रा करे, कामकाज के लिए जाए, पढ़ाई के लिए जाए, नौकरी के लिए जाए, जिस भी कार्य के लिए जाए, यीशु का वचन उनकी रक्षा करे, उनको सुरक्षित रखे, उनका मार्ग प्रशस्त कर देगा। विश्वास करना। आप इस वीडियो को अन्य लोगों के साथ भी शेयर करना, ताकि अन्य लोगों को भी प्रभु अपने वचन के द्वारा सहारा दे, बल प्रदान करे, विश्वास प्रदान करे। यदि आप अपनी प्रार्थनाएं, अपनी गवाही हमें भेजना चाहते हैं, आपकी स्क्रीन के सामने नंबर आ रहा है, उस पे आपका नाम, पता, आपकी प्रार्थनाएं व निवेदन आप भेजिए, आपकी गवाही आप भेजिए, ताकि दूसरों का विश्वास बढ़े। इस मिशन में, इस प्रभु के कार्य में आप हमारी सहायता प्रदान कीजिए। आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, समस्त टीम मेंबर्स के लिए, ताकि प्रभु हमें अपने पवित्र आत्मा द्वारा संचालित करे और प्रभु की जो भी इच्छा है प्रभु के हृदय में वह पूरी हो। साथ में आप शांति का राजा चैनल, शांति का राजा युवा संगम चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करें,
नित्य प्रार्थना हर शनिवार शाम को 7 बजे प्रसारित होती है। रोज सुबह 4 बजे आज का वचन आता है और अन्य दिनों पर विभिन्न विषयों पर आपको प्रवचन मिलेंगे। आप इस चैनल को अन्य लोगों के साथ शेयर कीजिए। आप इस चैनल का एक अंग है, इस चैनल का परिवार है। हम सब मिलकर ही इस चैनल को चला पा रहे हैं। आप इस चैनल के लिए निरंतर अपनी प्रार्थनाओं में याद रखना इस चैनल को, ताकि प्रभु हमें सामर्थ्य दे, शक्ति दे, प्रभु आर्थिक रूप से और शारीरिक रूप से हमें मदद करे, प्रभु अपने आत्मा के द्वारा हमारी रक्षा करे। यदि आप भी इस चैनल के साथ में जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें दिए गए नंबर पर मैसेज करें। प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की प्रशंसा हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को यीशु।